नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 31 मार्च 2022 को नोटिफाई किया गया। इस नोटिफिकेशन को आने के बाद लोगों में एक शक क्या हो गया कि अभी जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का जो टर्नओवर लिमिट है वो 40 लाख है या 20 लाख है। ये सवाल सभी के दिमाग में आ गया। इसको मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ एक बार। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं हूँ राम प्रकाश गौतम, और शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ये क्वेरी खत्म हो जाए, और हो जानी चाहिए। एक बार नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नंबर 10/2019 डेटेड 7 मार्च 2019। 2019 में एक नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 आया था 7 मार्च 2019 को, उसमें अमेंडमेंट किया है इन्होंने। इन्होंने अमेंडमेंट क्या किया है इस चीज को समझिएगा। इन्होंने किया अमेंडमेंट Part 2 Section 3 Subsection 1 नंबर GSR 190E डेटेड 7 मार्च 2019। उसमें इन्होंने कहा कि इन द सेड नोटिफिकेशन इन द टेबल आफ्टर सीरियल नंबर 3 एंड एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू द फॉलोइंग सीरियल नंबर्स आर एंट्रीज शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो ये बताया क्या है, एक बार हम एक सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 अपना स्क्रीन पे देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 है 7 मार्च 2019 का। इसमें अगर देखेंगे तो इन्होंने क्लियर क्या लिखा है इसे सबसे पहले समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कि एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब इन सब को छोड़ के। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि सबके लिए नहीं हुआ है 40 लाख से 20 लाख। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ द गुड्स दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। यहाँ पे जो कॉलम 3 है उसी कॉलम की बात वहां पे हो रही है। ये डिस्क्रिप्शन मतलब बनाने वाला आइटम। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने वही बात किया है आपको। ये देखिए ये सीरियल नंबर 3 जो है यहाँ से चेंज हुआ है। तो ये रहा अपना। ऑफ द टेबल बिलो एंड फॉलिंग अंडर द टैरिफ आइटम सब हेडिंग हेडिंग और चैप्टर एज द केस मे बी एज स्पेसिफाइड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम नंबर 2। इसमें टैरिफ हेडिंग सब हेडिंग आपको दिखाया जा रहा है। चैप्टर का जो HSN कोड होता है एक तरह से आप मानिए ये HSN कोड हो गया। ये सारों को छोड़ के बाकी के लिए वो 40 ही है। अब आप देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे देखिए इन्होंने सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7 से शुरू किया है। यानी इन तीन को छोड़ के ये तीन तो हैं ही पहले से, अब चार और इंसर्ट कर दिया गया। ये चारों ये चैप्टर हेडिंग 68-15 6901-0010 6904-1000 6905-1000 भी अब आपको आ गया। तो पहले आपके पास था सिर्फ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, दूसरा था पान मसाला, और तीसरा था तंबाकू से जो मैन्युफैक्चर्ड होते उसके लिए। अब इसके साथ इस तीन आइटम के बाद चौथा आइटम आ गया फ्लायर्स ब्रिक्स ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थन और रूफिंग फाइल्स। तो ये रूफिंग टाइल्स, तो ये अब आपके
सात आइटम ऐसे होते हैं, ये जो बिजनेस लोग करते हैं उनके लिए ये 20 लाख का टर्नओवर है, ना कि सबों का 40 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। तो उसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये नोटिफिकेशन, सिर्फ नोटिफिकेशन 10/2019 को अमेंडमेंट किया गया, मतलब उसमें चार और तरह के बिजनेस करने वालों को ऐड कर दिया गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 40 लाख ही है और 20 लाख किन का है, वो चीजें अब आपका क्लियर हो गया। अब मैं ये नोटिफिकेशन अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, या हमने एक अपना टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी ये आपको मिल जाना है। ठीक है, तो वीडियो मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।